नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं जी 10 न्यूज। रुक करते हैं आज की उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। वहीं पहली खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के दौरान जिला सेशन कोर्ट से प्रचार वाहन को रवाना कर दिया गया, जिसे जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि जिसमें सभी समस्त न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्नाव जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव का इस विषय में क्या कुछ कहना है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 9 मार्च 2024 को सभी वाह न्यायालय, जिला न्यायालय, सभी तहसील, MSET और रेवेन्यू न्यायालयों में किया गया है। और ये गाड़ियाँ जो है वो पूरे उन्नाव जिले में लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए निकली हुई हैं। इसमें सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक सुलह समझौते से निस्तारित होने वाले वाद, उत्तराधिकार से संबंधित सिविल मामले, बैंक ऋण वसूली, प्री लिटिगेशन, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, नगर निगम, नगर महापालिका, श्रम संबंधी, भूमि अधिग्रहण संबंधी, राजस्व, सर्विस, मनरेगा, व्यापार, वजन व मापतौल, वन अधिनियम, उपभोक्ता फोरम, मोटर दुर्घटना प्राधिकरण वाद, NIA एक्ट के बाद विद्युत एवं जल संबंधी, आर्बिट यातायात चलाने संबंधी वादों का निस्तारण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का संदेश और विधिक सेवा की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए उन्नाव के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार वाहन को कोर्ट से रवाना कर दिया गया, जो बस स्टैंड, कलेक्टर आवास, विकास, IBP चौराहा, छोटा चौराहा, बड़ा चौराहा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विधिक सेवाओं का प्रचार प्रसार करेगी। साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान अधिवक्ता में पैम्पलेट भी वितरित किए गए।